यार अभी तो उसके पेपर हुए हैं ना, इसका रिजल्ट आया है, तो मैंने पहले इसको मोबाइल दे दिया है। अभी मैं इससे पूछूं जाके। सुफियान बेटा जरा इधर आना। जी पापा मैं आया। मुझे डर लग रहा है कि पापा मोबाइल ना ले लें, कोई पढ़ाई की बात ना हो जाए। पापा क्या हुआ मैं? तुम मुझे कब से बुद्धू बना रहे हो? तुम्हारा अभी रिजल्ट भी नहीं आया और तुमने मोबाइल पहले मेरे से ले लिया। पापा आपने खुद लेके दिया ना। वो तुम मुझे पता ही नहीं था ना, तुम बता सकते थे पापा मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो आपका ये दिमाग नहीं चलता? ये क्या तरीका बाप से बात करने का? ये मोबाइल तुम्हें नहीं मिलेगा जब तुम अपनी क्लास में टॉप करोगे, तभी ये तुम्हें मिलेगा। मैं अभी तुम्हारे सर के पास जाता हूँ, तुम देखता हूँ तुम्हारी कैसा रिजल्ट आया, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया फिर तुम्हें ये मोबाइल मिलेगा। वो ठीक है, अच्छा वो ठीक है। कौन? मैं सुफियान का फादर। जी हाँ, चलिए आपका बेटे का आधार कार्ड, वो फेल हो चुका है। हमने बहुत कोशिश की वो पास हो जाए, बट वो नहीं हुआ क्योंकि वो चीटिंग में जो पाँच बार पकड़ा गया, और हमने इतनी उसको समझाया कि वो चीटिंग ना करें, मेहनत से काम करें, बट वो इतना बदतमीज़ था, हमसे आराम से ऐसे कुछ कहते नहीं था क्योंकि चीटिंग थी, और हमने उसको कुछ कहते नहीं थे, बट फिर भी वो मुझे इतनी बदतमीजी करता था, पर कभी कभी मार भी देते थे क्योंकि हम जूरी क्यों बोले, बट वो उसको ना कोई तरीका ही नहीं बात करने का। वो स्कूल में पंजाबी बोलता है वाई, बट वो फेल हो गया। इसमें हमारे को कहते हैं कि क्लास में हर बच्चा उसको टॉप गया है, हर बच्चे की पोजीशन है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो ये था आपके बच्चे का रिजल्ट, तो प्लीज़ आप जा सकती हैं, और प्लीज़ कोशिश करना कि वो अच्छी तरह बात करने का तरीका भी हो जाए और लायक हो जाए पढ़ने का। प्लीज़ आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं पापा, क्या सुनो फ्रेंड, देखो अपना रिजल्ट। महंगा था, इतना महंगा मेरी कमाई से आया था ना, तुम्हारा जन बुरा है, किसी ने मैंने फेंका है।